आज जैसा कि हमने देखा सदन में कि अपोजिशन के काफ़ी नेताओं ने एनएचआर से के मिसयूज पे एक तरह से सवाल उठाया, बिहार में खासकर, इस पर आपका क्या? इसमें मिसयूज क्या है? अगर मानवाधिकार आयोग किसी राज्य में जाता है तो क्या यह मिसयूज है? क्या मानवाधिकार आयोग को बंद कर दिया जाए? और क्या मानवाधिकार आयोग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है? कहाँ जाना नहीं जाना वो तय करता है, ये कोई केंद्र सरकार का काम नहीं है। लेकिन बिहार में जो स्थिति पैदा हो गई कि मुख्यमंत्री मौत पर हंस रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे कानून में प्रावधान है तो भी हम कोई मुआवजा नहीं देंगे, तो उन गरीबों का क्या होगा? उन गरीबों का कोई अधिकार नहीं है क्या? उन अनाथ बच्चों का कोई अधिकार नहीं है क्या? और मौत के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। अगर इन सारी चीज़ों की जांच करने के लिए जो भी उनके और मुद्दे होंगे, अगर मानवाधिकार आयोग यार तो सरकार घबरा क्यों रही है? वो डर है, कुछ चीज़ों को छिपा रहे हैं कि कोई आयोग जाएगा तो बातें उजागर हो जाएगी, तब तो अलग बात है, अन्यथा कोई डरने की तो बात नहीं। इसमें कोई क्यों डर रहे हैं? उनको तो खुलेआम स्वागत करें, आइए जाँच कर लीजिए जो चीज़ जिस चीज़ की जाँच करना है। लेकिन ये डरे हुए हैं चूँकि इनको मालूम है कि हम एक्सपोज हो जाएंगे। सर, बिहार एक ड्राई स्टेट है और लगातार इस तरह के हमेशा वहाँ खबरें आते रही हैं, काफ़ी लोगों की मौत होती रही है पिछले 5-7 सालों में, तो क्या लग रहा है कि ये शराबबंदी वहाँ पे कंप्लीट फेलर हो चुकी है? वो तो देखिए कंप्लीट फेल होगी, अब तो ये कोई नई बात नहीं है, हर आदमी जानता है कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में फेल कर दी है। और मुख्यमंत्री ने लागू किया, उनकी जिम्मेवारी बनती है, हमने तो पूरा सहयोग किया, आगे भी सहयोग करेंगे, लेकिन लागू करना तो आपकी जिम्मेवारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। शराब वाली